नमस्कार दोस्तों, सीताफूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो दोस्तों रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी टेस्टी आलू की सब्जी और उसके साथ बनाएंगे दोस्तों नान रोटी, तो जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से तक देखते रहिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं हम नान रोटी और आलू की सब्जी। चूल्हे के पास हम अपने आ चुके हैं, तो हम बनाएंगे सबसे पहले आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने जो जो सामग्री ले रखी है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे आधा किलो आलू, और इसे मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने टमाटर लिया है 4-5 पीस, 2 पीस प्याज लिया है, हरी धनिया पत्ती ली है, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट लिया है, तेज पत्ता लिया है 3, धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी जीरा ली है, हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल लिया है। तो सबसे पहले हम सब्जी को बना लेते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम उबले आलू को छील लेते हैं। तो इसको छिलकों को हम पहले उतार लेते हैं अच्छे से। तो इसी तरह हम सभी आलू को छिलकों से बाहर कर लेंगे। आलू को हमने छील लिया है दोस्तों, अब हम सब्जी को बनाएंगे। तो सब्जी को बनाने के लिए हमने चूल्हे में आग को जला लिया है। अब इस पर रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। अब तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 3 तेज पत्ते। अब हम डाल देंगे जीरा। तो जीरे को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, तो इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर। तो मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूना है दोस्तों, ताकि हमारे सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आए। तो टमाटर को हम अच्छी तरह से गलने तक भून लेंगे। तो टमाटर को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम डालते हैं मसाले। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर डाला है, अब डालेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी डाल देंगे, और अब डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, तो खुशबू इसमें से बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो आलू छील कर रखा हुआ था इसे हम फोड़ कर इसमें डाल देंगे। फोड़ कर डालने से दोस्तों सब्जी जो है हमारी बहुत ही गाढ़ी होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। सभी आलू को हम इसी में फोड़ कर डालेंगे। आलू को हमने डाल दिया है, इसे हम मसालों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो मसालों को हमने आलू में अच्छी तरह से मिला दिया है, तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही पानी हम डालेंगे। तो लगभग दो ढाई कटोरी हमने पानी डाली हुई है। पानी को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला देते हैं सब्जी में। तो पानी और नमक को हमने सब्जी में डाल दिया है, तो सब्जी को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे दोस्तों। जब तक हमारी सब्जी अच्छी तरह से उबल रही है तब तक हम नान रोटी की डो तैयार कर लेते हैं। तो नान रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो मैदा, 1 कटोरा दही लिया है हमने। तो दही जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम इसमें से लेंगे। यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिया हुआ है जो दरदरा कूटा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी सी कनौजी ली है, और एक इनो लिया है दोस्तों। तो नान रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें से सूखा आटा निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा हमने निकाल लिया हुआ है, अब हम डालेंगे इसमें दही। तो दही से ही हम इसको गूंथेंगे। तो दही को हमने डाल दिया है, अब इसी में डाल देंगे हम इनो। तो पूरा सैसे हम डाल रहे हैं, अब इसको हम इसी में मिला लेंगे इस तरह से।
तो दही हमारी कम होगी तो थोड़ी सी दही हम और डालेंगे इसमें। तो थोड़ी सी दही हम और डालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दही हम डालकर इसको अच्छी तरह से आटे की तरह डो बना लेंगे। तो मैदे में हमने दही और इनो अच्छी तरह से मिला लिया है, तो इसमें अब हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें हल्का ही डालना है। अब नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमें नान रोटी का डो अच्छी तरह से तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ही मुलायम है। तो डो को हमने तैयार कर लिया है, तो इसे ढककर हम लगभग 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इधर हम तब से सब्जी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, एकदम जूसी, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। दोस्तों इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो सब्जी को अब हम गार्निश से धनिया से थोड़ी गार्निश कर देते हैं और सब्जी को हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, तो नान रोटी बनाने के लिए हम रखेंगे तवा। तो दोस्तों आज हम तवा पर आपको नान रोटी बनाकर दिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो तवा को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है इनो डालने की वजह से। तो इसे हम एक बार फिर इसे मसल लेते हैं। तो अब हम थोड़ी सी लोई ले लेंगे। तो इस तरह हम इसे गोली बना लेंगे। तो लोई को हमने बना लिया है, अब हम चकले पे रखेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। तो इसी पे हम इसको रखेंगे और हाथों से इस तरह हम दबाएंगे और ऊपर से भी हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। तो इसे अब हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो रोटी को हमने बेल लिया है, अब इस पे डालेंगे हम कनौजी और मिर्च का ददरा पाउडर। तो इन दोनों को हमने अच्छी तरह से पहले ही मिला लिया हुआ है, तो इसी को हम डालेंगे अब। हम डालेंगे कटी हुई धनिया। तो इसको डालने के बाद हम बेलन से एक बार इसे फिर बेल देंगे ताकि इसे अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम रोटी को पलट लेंगे दूसरी तरफ और दूसरी तरफ हम लगाएंगे पानी। तो पानी को हमने अच्छी तरह से लगा दिया है दोस्तों। तो जिस तरफ हमने पानी लगाया हुआ है इसी तरफ हम तावे पर इसको रखेंगे। तो तावा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो ले चलते हैं रोटी को हम तवे पर रखते हैं। तो रोटी को हमने तवे पर रख दिया है, तो इसे हम धीमी आंच में अच्छी तरह से पकने देंगे। तो नान रोटी हमारी एक तरह अच्छी तरह से पक चुकी है दोस्तों। तो अब इसे हम इस पर पलट देते हैं। तो तवे को हम करते हैं उल्टा और इसे सिकने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों नान रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है, तो इसे हम धीमी आंच में इसी तरह हम थोड़ी देर तक रहने देंगे। तो रोटी को अब हम पलट कर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है दोस्तों। तो इसे हम तवा से बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है।
तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से यह सिक चुकी है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख देते हैं। तो इधर हमारी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार है, तो इसे भी हम तवे पे रख देते हैं। तो इसी तरह हम सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नान रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही है। तो इसी तरह हमें धीमी आंच में नान रोटी को सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक तरफ रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है, तो इसे भी हम पलट देते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमारी रोटी बहुत ही अच्छी तरह से सिक रही है, तो इसे भी हम पलट कर आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नान रोटी जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है। तो इसे हम तवा से छुड़ा लेते हैं, तो चाकू के सहारे हम इसे छुड़ाते हैं। तो रोटी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी की रोटियों को भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नान रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बनी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मोड़ कर दिखा देती हूँ। तो आप देखिए, बहुत ही नरम हमारी नान रोटी बनी हुई है। तो इस पर अब हम लगाएंगे देसी घी। तो घी को हम अच्छी तरह से लगा देंगे चारों बगल। घी लगाने से नान रोटी की जो है स्वाद और ही अच्छा लगता है दोस्तों, इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो इसी तरह हम सभी नान रोटियों में घी को लगा देंगे। तो आज की नान रोटी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों। इसे हमने आलू के सब्जी के साथ सर्व किया हुआ है। आप इसे चाहे तो छोले के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर खा सकते हैं। इसे मेहमानों को भी खिला सकते हैं, पार्टी फंक्शन में भी बना सकते हैं, ये कि जो घर पे बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है दोस्तों। तो एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें घर पर, और हमें कमेंट पर जरूर बताएं कि आपकी नान रोटी कैसी बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की ये नान रोटी और आलू की सब्जी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।